बाड़मेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरलाई के पास शनिवार दोपहर को हुए एक सड़क हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। नागड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोडवेज बस व कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं बस में सवार पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों से रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। इसी तरह शिव के नागरदा गाँव के पास एक इनोवा कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर जिप्सम होल्ट के पास एक रोडवेज बस और कार की भीषण भिड़ंत होगी। हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत होगी। जानकारी के अनुसार बाटाड़ू निवासी जसूराम एवं केवल राम कार में सवार होकर बाड़मेर से बाटाड़ू की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जिप्सम होल्ट के पास कार को वापस बाड़मेर की तरफ मोड़ने के दौरान सामने से आ रही रोडवेज बस ने पीछे से कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी वाहनों की सहायता से बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद नागाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर दोनों ही क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से साइड में हटवाया और जिला अस्पताल पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कार के पीछे से रोडवेज बस पूरी तरह से ऊपर चढ़ गई, जिसके चलते दोनों ही युवक कार में बुरी तरह से फंस गए, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया। वहीं बस में सवार तीन सवारियों को भी मामूली चोटें आई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल नागाना पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई है। कैजुअलिटी ड्यूटी के अंदर 8% नागाना एरिया के पास में कवास 0 पॉइंट के पास में कार और बस का एक्सीडेंट हुआ। इसके परिजनों ने बताया तो लेके आए यहाँ पेशेंट को। दो पेशेंट यहाँ हमारे पास में आए जो ब्रॉड डेड है और चार जने इंजर्ड है। जो चारों के चारों ठीक है, कोई ज़्यादा इंजरी नहीं है इनकी, नॉर्मल है। जो अभी हम एडमिशन कर रहे हैं, फॉलो अप का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी। सर जो डेड है उनके कहाँ सर हैं, कहाँ किस तरीके से? उनके एक पेशेंट जो केवला राम है उसके तो नेजल ब्लीडिंग है, उसका वजह हेड इंजरी का भी फ्लो हुआ है, तो हेड इंजरी की वजह से ब्रॉड डेड है ये। और दूसरा पेशेंट है उसको लग रहा है चेस्ट इंजरी है, क्योंकि वो पिपिल फिक्स हो गई है, उस वजह से ब्रॉड डेड के अंदर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ये। इसी तरह एक अन्य सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत होगी। जानकारी के अनुसार शिव क्षेत्र के नागरदा गांव के पास इनोवा कार में एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी जबकि दूसरा बाइक सवार युवक घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिव के नागरदा गांव के पास यह सड़क हादसा हुआ। दोनों बाइक सवार कश्मीर से बाड़मेर की तरफ आ रहे थे और इनोवा ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पहले ग्रामीणों ने जो मोटरसाइकिल घायल थे उनको एम्बुलेंस से बाड़मेर लेके आ गए। मौके पर इनोवा कार और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी थी, जिसके पास में कोई नहीं था, तो सुखसाद थाने ले गए और दौरान इलाज जो मोटरसाइकिल चालक घायल था जगूराम सनत सोला राम जाति मेघवान निवासी मेघवान की गाड़ी सोड़ा, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उसके साथ में लोना राम का कोई चचेरा भाई है जो अभी जेर इलाज है। आमने सामने दोनों की टक्कर हुई थी, से जगूराम की दौरान इलाज। परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी सर? परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि हमारे भाई ये मौका में कोई मजदूरी करते थे, मजदूरी करके शाम के टाइम मोटरसाइकिल ऊपर बाढ़ में आ रहे थे। सामने से इस कार चालक ने लापरवाही चला कर उसको टक्कर मारी। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिव पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान जग्गूराम पुत्र धोलाराम मेघवाल निवासी मेघवालों की ढाणी के रूप में हुई है। वहीं घायल लूणाराम मेघवाल का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।